नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंडी बाद में। तो दोस्तों कैसे हैं आप? तो मैं भी ठीक हूँ। और दोस्तों मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा ब्रेकफास्ट जो बहुत इजी है और आप बार बार बनाना चाहेंगे। अक्सर हमारे घर में दोस्तों बच जाते हैं चावल, तो चावल जब हमारे घर में बच जाते हैं तो अक्सर हम उनको क्या करते हैं, या तो हम उनको फ्राई करके खा लेते हैं, या फिर उसको फेंक देते हैं, या गाय को डाल देते हैं, मतलब कुछ ऐसा करते हैं। बट उसको रीयूज बहुत कम किया जाता है। बट अगर उसी को कुछ अच्छे से रीयूज कर दिया जाए तो देखिए कितना अच्छा ब्रेकफास्ट बनेगा। और इंस्टेंटली आप खाएंगे तो आप सोचोगे कि यम्मी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्रेकफास्ट, यम्मी यम्मी। तो चलिए, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं रेसिपी। मैंने लिए बचे हुए चावल और उसमें बेसन लिया मैंने, ग्रीन चिली ली, सॉल्ट, चाट मसाला, अजवाइन, हल्दी, और इनको अच्छे से मिला दिया और साथ में डाल दिया प्याज। तो उसके बाद अच्छे से मिला के, बहुत अच्छे से मिला के उसको फिर हमने चीले की तरह तवे पे फैला दिया। तो देखिए साथ साथ मैं चेक करते जा रही हूँ कि ये जो हमारा चीला है, लेफ़्ट ओवर राइस का चीला है, वो बना है कि नहीं। तो देखिए एक साइड सिक गया है ये, और कितना बढ़िया लग रहा है। और साथ के साथ मैंने साइड पे रख दिया चाय। तो चाय मेरी बन रही है, चाय का भी मेरा अलग ही स्टाइल है। तो सबसे पहले मैं दूध और पानी मिला के, जितना भी आपको क्वांटिटी चाहिए उस हिसाब से उसको थोड़ा गर्म करती हूँ। फिर चीनी डालती हूँ और चीनी को अच्छे से जब तक गले ना तब तक पकाते हैं इसमें। और उसके बाद डालती हूँ थोड़ा सा, ये गर्म हो जाए, चीनी हल्की हल्की पिघलने लग जाएगी, फिर डालूँगी मैं इसमें चाय पत्ती। तो देखिए फिर मैंने चाय पत्ती डाल दी। अब इसको हम छोड़ देंगे और पकने देंगे। तो जब तक हमारी चाय बनके रेडी हो जाएगी तब तक हमारा चीला भी रेडी हो जाएगा। और देखिए चाय में हल्का हल्का कलर दिखने लग गया है, तो इसको साइड पे रखते हैं और साथ में हम अपने चीले की सिकाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों चीले की सिकाई हो रही है, और एक साइड से तो बहुत अच्छा कलर आया है, अब होपफुली दूसरी साइड से भी बहुत अच्छा कलर आएगा। तो इसी तरह से हमारा जो चीला है क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके रेडी होने वाला है। देखिए दोस्तों दूसरी साइड से भी कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है, और इसका मतलब ये है कि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है। तो देखिए यहाँ मेरी चाय भी रेडी हो गई है, और ये डाली मैंने चाय। तो रेडी है दोस्तों मेरा ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता। तो अगर आप भी ऐसा ही टेस्टी नाश्ता बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और सीरियसली यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, और बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी है, और बहुत यमी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप चाहे तो खाली चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं, बट मैंने इसमें डाला है टमाटो केचप, और साथ में मैंने हरी चटनी बनाई है। तो आइए नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों रेडी हो चुका है मेरा ब्रेकफास्ट। मैं आपको बता सकती हूँ कि ये कितना यम्मी है। तो मैं इसको खा के दिखाती हूँ। और साथ में मैंने पता क्या बनाया है, साथ में बनाई है मैंने स्टार्ट करते हैं। इसके साथ मैंने हरी चटनी बनाई है, और ये मैंने सॉस रखा है। तो आपकी मर्जी, आप रखें या नहीं रखें, ऐसे भी खा सकते हैं। तो देखिए बहुत क्रिस्पी यमी बना है, सीरियसली।
रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज आप जरूर ट्राई कीजिएगा और ये सच में बहुत टेस्टी बनी है। और खुद भी खाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, क्योंकि ये हेल्दी भी है, फ्रेश, होममेड और ऑयल बहुत कम लगाया मैंने। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। बाय, टेक केयर।